पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शनिवार को डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन पर गेट मीटिंग के बाद प्रदर्शन किया। संघ के चेयरमैन भारतेंदु यादव एवं परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सभी कर्मचारियों को जागृत करते हुए गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। गेट मीटिंग में इंजीनियर अनिल किशोर पांडे, इंजीनियर मनोज पांडे, अनुप श्रीवास्तव, हरिशंकर प्रसाद दुबे, अमरेंद्र शाही, कृष्ण मोहन गुप्ता, अरविंद सिंह, फूलचंद मौर्य, शैलेश सिंह, रामदास, रामधनी पासवान सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गौरव पुनी संवाददाता से बात करते हुए परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आज हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की पुरानी पेंशन बहाल यदि नहीं हुआ तो निश्चित तौर से कर्मचारियों का परिवार, देश के करोड़ों करोड़ों कर्मचारियों का परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी सभी से आग्रह है कि तत्काल पुरानी पेंशन बहाल करें।